बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप सबका क्या हाल है। अल्लाह के करम और शुक्र के साथ आप सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक रह रहे होंगे। अल्लाह आपको सबको खैरियत से रखे और आपकी सबकी दुआओं की वजह से मैं भी अपने घर में खैरियत से रहूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें आज का ये दिन नसीब में किया। बहुत अच्छा दिन है पर आज थोड़ा क्लाउडी है, आज धूप नहीं निकली हुई है तो मौसम अच्छा है, इतनी सर्दी नहीं है। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ और आज बहुत मज़ा आने वाला है कि आज हमारे मेहमान आ रहे हैं कोई पाकिस्तान से, तो मैं उनको आपके साथ मिलवाऊंगी कि कौन आ रहा है, मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, ये पीनट बटर ब्रेड और चाय, हल्का फुल्का नाश्ता। उसके बाद आज बहुत बिजी हैं तो आज सारा दिन आपको मैं बताती रहूँगी कि मैं आज किस तरह अपना काम सारा कुछ कर रही हूँ। ये बस इस तरह ये नाश्ता है मेरा। आज हम एयरपोर्ट भी जाएंगे तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम दो हंडियाँ बना रहे हैं, एक हम कोफ्ते और अंडे बना रहे हैं और एक चिकन बोनलेस चिकन मसाला बना रहे हैं। ये दो अभी हम हंडियाँ जल्दी जल्दी बना देंगे। And this is the masala for kofte. ये कोफ्ते का मसाला बन रहा है।
हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। यम यम यम। अभी हम चिकन मसाला चेक कर लेते हैं। ये चेक करते हैं, ये भी वो जो मीठी चटनी बना रहे हैं, ये भी गैस उसका आस्ता आस्ता ऑन है। और इधर हम देख लेते हैं कोफ्ते, कोफ्ते उनको मैंने भून के उसके अंदर मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया है अभी, तो अभी मज़ीद उनको आधा घंटा और पकने देंगे। इस तरह हमारी ये तीन डिशेस तैयार हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हाफ एन आवर हो गया, अभी हम चेक करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। किचन में तो बड़ी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। कोफ्तों का भी सालन बन गया माशाल्लाह। देखिए कोफ्ते बिल्कुल सारे कोफ्ते अलहदा अलहदा। इसको ड्राई नहीं करना, इसको इसी तरह ही थोड़ा बनाने के सालन के चावलों के ऊपर डाल के खाने के लिए। बच्चों ने बोला शोरबा बनाना, शोरबे बोले थोड़ा सा ऐसा सालन शोरबा बनाओ। और ये हमारा बन गया, बन रही है अभी, और इसको 10-15 मिनट रहने दूंगी। ये भी बन रही है मीठी चटनी। और ये हमारा चिकन मोस्टली रेडी हो गया, थोड़ा सा और रह गया अभी, इसको 10 मिनट और रखेंगे। फिर मुझे थोड़ा सा ये भी दम पे पड़ा रहे, अच्छी तरह हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल हल्की आंच कर दी है सबकी, हल्की हल्की आंच। अभी हम साथ ही ना अंडे रख देते हैं बॉईल होने के लिए, कोफ्तों के अंदर डालने के लिए। बस ठीक है, किधर रखोगे इस के ऊपर? अभी रख दो। ये अभी हमने वो दो हांडियाँ बन गई हैं दोनों, कोफ्ते और चिकन का। और ये अभी बन रहा है और अंडे भी रखती हैं। और ये हमने रखा है अभी चिकन पुलाव बनाने के लिए, अभी हमने उसके लिए ये प्याज डाल के रखती है। उसकी यखनी बना दें तो बाद में चावल डाल देंगे। ये सारे अभी हम इस एप्पल डाल दिए काट के और जेली बन रही है। जिसमें कम है उसमें और डालो।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने किचन सारा साफ़ किया है और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मेहमान आने वाले हैं। अभी रात को मैंने ये ना चिकन बना दिया था और ये चावलों के लिए चिकन पुलाव है और ये मैंने रेडी कर दिया है। अब सिर्फ इसके अंदर गर्म करके चावल डालने हैं और ये कोफ्ते और अंडे जो मैंने बनाए हैं वो बन गए हैं। तो बस हमने ये गर्म करने हैं और इनको सर्व करना है। और ये जो मैंने मीठी चटनी बनाई है आलू बुखारे वाली, ये मीठी भी होती है और इसमें चिली भी होता है, स्वीट भी होती है, खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है, बस इस तरह। और उसके बाद हमने रेडी किया था, रात को आधा काम किया था ना, तो ये हमने रेडी कर लिए थे ट्रैफल बनाने के लिए। तो ये अभी सारा कुछ रेडी हो गया, तो अभी मैं जो है ना इसके अंदर कस्टर्ड डालूंगी और चीज़ें जैसे। तो ये सारा कुछ अभी हम बना रहे हैं कस्टर्ड ट्रैफल के लिए। तो आधा काम रात को ही कर लेती हूँ, कोई भी हो, दावत हो, कोई ईद हो, कोई भी बात हो, तो किसी की मतलब कोई भी मौका हो तो मैं रात को हांडियाँ वगैरह बना देती हूँ और सुबह फिर उठ के और चीज़ें बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर मैं वो आधे काम जो है ना सुबह उठ के कर लेती हूँ। फिर थकावट भी नहीं होता होती तो बहुत आराम से जो है ना अपने काम सारे ख़त्म कर लेता है और मेहमानों के आने तक रेडी हो जाता है। ये अब हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया, तो अभी हम सब में ये हम रीफिल कर लेंगे, इसमें डाल लेंगे सब में आस्ता आस्ता और फिर उसके ऊपर फ्रेश भी लगाएंगे। अभी ये आप लगा लो सब, माशाल्लाह अभी सारे रेडी हो गए हैं। अभी इनके ऊपर डबल क्रीम लगाऊंगे और फिर ये ट्रैफल हमारा रेडी हो जाएगा। अंदर नहीं जा रहे हैं, कहते हैं कि जो बंदा आ रहा है पाकिस्तान से इधर इंग्लैंड तो वो बार कार पार्क में आ जाएगा, तो अंदर नहीं जाने दे। सारे बंदे ऐसे वेट कर रहे हैं अपने अपने मेहमानों का। ये गेट है ना, इधर से बाहर निकलेगा ना। अभी एक घंटा हो गया हम इधर कार पार्क में इंतजार कर रहे हैं, सारे अपने अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। तो इधर से ये प्लेन भी नजर आ रहा है, किधर नजर नहीं आ रहा, पता नहीं।
ये प्लेन खड़ा है, ये एरोप्लेन है PIA का, तो हम इसको देख सकते हैं, उसका ठेल नजर आ रहा है। तो ये सारे जो है ना अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। पाकिस्तान से आ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, माशाल्लाह, वेलकम होम। याद कर दे अंडे माशाल्लाह। आज यही हमारी रूटीन थी, सुबह से लेके शाम तक हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, पाकिस्तान से आए हैं मेरे बच्चे, आए हैं पाकिस्तान से, तो इनकी हमने दावत बनाई थी। अगर आपको ये हमारा लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपनी दुआओं में याद रखना। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।